अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई वाई सॉफ्टवेयर हाउस। मैं हूँ आपका आईटी इंस्ट्रक्टर रियाजान, और चलते हैं हम अपने लेसन 5 की तरफ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हिट करें ताकि मजीद आगे वीडियोज़ जो भी हैं वो आप देख सकें और बहुत कुछ सीख सकें। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर पावर पॉइंट में आते हैं, और जैसे कि हमारा ये स्लाइड ऐसे वाइट होती है। ठीक है, हम डिज़ाइन में जाएंगे, बैकग्राउंड स्टाइल पर क्लिक करेंगे और ब्लैक कलर। ठीक है, अब दूसरी बात हम क्या करते हैं, इंसर्ट बार में जाते हैं या टैब में, और यहाँ से ले लेते हैं क्लिप आर्ट। यहाँ से क्लिप आर्ट लिया और यहाँ पे हमने कर दी, लिख दिया बोट। पहले में बोट ही आएगी, क्लिप आर्ट आएगा। सबसे पहली शर्त ये है, आपने इसको ऐसे करके अनग्रुप पहले नहीं करना। ठीक है, आपने करना है इसको थोड़ा बड़ा करना है, राइट क्लिक, ग्रुप, अनग्रुप। ठीक है, ये थर्ड एनिमेशन है हमारी कि हम एक बोट को सी में चलाएंगे। ठीक है, राइट क्लिक, ग्रुप, अनग्रुप। अनग्रुप दो बार होता है, मैं पहले भी समझा चुका हूँ। बाहर क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड को डिलीट, इसको करेंगे डिलीट। अब क्या बच गया हमारे पास, सी बच गया। हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट किया और डाउन एरो की से नीचे किया। ठीक है, फिर से हमने इनको सेलेक्ट किया, एक शिफ्ट प्रेस किया, दो, तीन, चार, शिफ्ट प्रेस करेंगे फॉर मल्टीपल सेक्शन। ओके, यहाँ पे आए नीचे, ये देखें ये सी आ गया। अब ये दो डॉट्स हैं इनको हटा दें, लहर है, ये हमने यहाँ कर दिया। जैसे इसको अगर आप डिलीट भी कर दें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, ये छोटी छोटी चीज़ें आप यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है, इन चिड़िया को भी आपने डिलीट कर देना। हमने इस पूरे को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और एक ग्रुप कर दिया। कंट्रोल जी इसकी शॉर्ट की है, कंट्रोल जी भी कर सकते हैं। ग्रुप किया, इसको थोड़ा बड़ा किया, इसको यहाँ किया। ठीक है, इस बोर्ड को हमने सबको सिलेक्ट किया, सही तरीके से सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके ग्रुप कर दिया। ठीक है, अब इसको आपने कर देना छोटा, ये बोट आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मज़ीद इस चीज़ को करने के लिए पहले आपने ये देखना है, ये देखे पीछे जा रही है, राइट क्लिक, ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया आपने। अब एक बोनस चीज़ है कि आप इंसर्ट में जाते हैं, शेप में जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं ओविल ले लेंगे। ओविल लेकर आपने ड्रॉ कर लिया, फॉर्मेट में आए, शेप फिल वाइट, और यहाँ पे कर दिया आपने आउटलाइन, सॉरी शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। ठीक है, आप स्पेशल इफेक्ट देना चाहें प्रेजेंट में चाहे तो प्रेजेंट में ये भी दे सकते हैं। अब ये ब्लैक पे है तो जाहिर सी बात दिख नहीं रहा, लेकिन आप ये भी दे सकते हैं। ठीक है, ये चांद बन गया। आप चाहे तो बर्ड्स इस पर भी लगा सकते थे, वरना यहाँ से देखें क्या पता हमारे पास आ जाए बर्ड्स। नहीं आएंगी चीले, नहीं आएंगी चीले, उसी में होंगी। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा बात नहीं है, सही है। अब यहाँ पर थोड़ा बोर्ड को थोड़ा सा बड़ा कर दें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट डी, डुप्लीकेट, 1 2, कंट्रोल शिफ्ट डी, 1 2, कंट्रोल शिफ्ट डी। अब थोड़ा सा नीचे भी करेंगे, 1 1 2, कंट्रोल शिफ्ट डी, क्लिक, 1 2, कंट्रोल शिफ्ट डी। हर स्लाइड पे आपने इसको मूव करना होगा, देखें यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जब मूव नहीं किया, हमने डुप्लीकेट स्लाइड ले ली। डिलीट करें, यहाँ पे स्लाइड पे क्लिक करके यहाँ पे आए, ये देखें आगे बढ़ रही है। कंट्रोल शिफ्ट डी, मूव, 1 2 3, कंट्रोल शिफ्ट डी, 1 2, 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 कंट्रोल शिफ्ट डी, 1 2। इस तरीके से आपने इसको करना है। ये देखें यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे थोड़ा सा मूव।
ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आया हुआ है। करते रहना, पावर पॉइंट का एक हिस्सा है। ऑलमोस्ट डन है। ज्यादा ज्यादा नहीं करना वरना एनिमेशन खराब हो सकती है, जैसे कि 1 2 3 ऐसे आपने स्टेप बढ़ा दिए। अब ये बाहर हो इसका कोई मसला नहीं, क्योंकि एनिमेशन की जो ये प्रिंट प्रीव्यू है ना, प्रिंट एरिया यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, आपने क्या किया, अब जैसे कि हमारी स्लाइड्स बनी है 62, यहाँ पे गए 1 पे, एनिमेशन में गए, स्लाइड शो में गए। फ्रॉम द बिगनिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको छोड़ दें फिलहाल, एनिमेशन पे, एनिमेशन में आएंगे ऑटोमेटिकली, आफ्टर पे क्लिक करेंगे, ऑन माउस पे क्लिक हटा देंगे 0 0 सेकेंड, अप्लाई टू ऑल F5 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने 6th लेसन में। काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जो चीज़ आपको मुश्किल लग रही हो कमेंट सेक्शन में आप काइंडली अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, या कोई भी कोर्स की रिक्वेस्ट करनी हो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं वो उस हिसाब से मज़ीद कोर्स जो है वो अपलोड कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।